Hi everyone. Good morning. Good morning, beta. Let's get started with विद एक प्रिडिक्टिंग सीरीज शुरू करिए ठीक है जिसमें हम एटलीस्ट कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे कर लेंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू जिनसे कि आपके टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके दिमाग से शायद निकल जाते हैं एनसीआर में वो पॉइंट्स पे क्वेश्चंस ठीक है सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ फ्यू मोर क्वेश्चन इन द इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इसके अलावा आज तीन बजे एक मॉक टेस्ट है उसके लिए भी आप आ सकते हो एंड लेट्स गेट स्टार्टिंग विद सीरीज ऑल द वेरी बेस्ट आज क्वेश्चंस करने हैं तो साथ साथ तैयार रहना किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए ठीक है आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में फटफट फटपट चलने चाहिए कुछ आपको लिखना नहीं है कुछ नहीं करना ऑन यू टू डू इज टाइप वेरी क्विकली जल्दी जल्दी टाइप करते चले गएटूब okay? पे हमारा टाइमिंग एलेवन स्पेशल पे आज स्पेशल क्लास है तीन बजे थ्री पी -म. ठीक है इसके अलावा प्लस क्लास हमारी होती है बेटा पांच बजे अब पांच बजे वाली प्लस क्लास के अंदर दो चीजें चल रही हैं फॉर वी आर डूइंग जेनेटिक्स ठीक है इसका एक ही लेक्चर हुआ है आज सेकेंड लेक्चर है इसका ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए हम रेस्पिरेशन आज कम्प, आज कंप्लीट कर देंगे और पीजीडी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर आप किसी भी ऐसी यू नो इन दोनों चैप्टर्स में अगर आप लाइव पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप प्लस पे आ सकते हो प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए यू कैन यूज कॉमन लाइफ कोड जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल ठीक है अब आइकॉनिक में एक फायदा ये हो जाता है कि आपको एक मिनट भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपके साथ जो आपके पढ़ाई के अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जैसे टाइम मैनेजमेंट में या पेपर एनालिसिस में या इन सब चीज़ों में आपकी मदद कर देंगे ठीक है तो और थोड़ा इजी हो जाता है नीट का प्रिपरेशन आपके लिए और राइट ये हमारा बैच है ट्वेंटी का जिसमें अभी रेस्पिरेशन के बाद पीजीडी चलेगा प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोमल लाइव आपका कोड है के ओ एम एल एल आई बी लाइव यू कैन यूज दिस कोड एंड इसके साथ साथ आप अगर चाहो तो जेनेटिक्स वाले बैच में भी आ सकते हो मैं इन्विजन बैच में ही जेनेटिक्स करा रही हूँ एक ही क्लास हुई है अभी हम धीरे धीरे और उसको डिटेल में करते आगे चले जाएंगे ठीक है ये तीन पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा बट एक पेपर अभी बचा है आपका मॉक टेस्ट का इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कॉमन लाइफ कोड के ओ एम एल एल आईवी लाइव यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन एज वेल ठीक है चलिए और आइट लेट्स गेट स्टार्टेड ओके फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर ठीक है इसके बारे में हमने बात करी हुई है क्लास में लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है पैरामीटर्स का क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड से एक ही क्वेश्चन आता है हर साल ज्यादा क्वेश्चन उससे आते नहीं है ठीक है देर इज ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम इट और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीआरटी से आता है तो जल्दी से आंसर करो इसका शाबाश गुड 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 क्विक पूर्णिमा शाबाश बेटा गुलनाज गुड आंसर मिला दिख गया पहली बात तो डिफाइनिंग ग्रोथ चाहिए आपको डिफाइनिंग फीचर से डिसाइड करो डिफाइनिंग फीचर क्या है आपका रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फंडामेंटल है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ भी फंडामेंटल है ठीक है मतलब एक्सट्रेंसिक आपके नॉन लिविंग में होती है लिविंग में वैसे ही नहीं होती ठीक तो ये भी हट गया ग्रोथ ओवरऑल इज फंडामेंटल फीचर अब डिफाइनिंग फीचर ये दोनों है लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है कॉन्शियसनेस एनसीआर की सीधी सीधी लाइन है बेटा ये है ना तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डैश एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल डैश नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज जल्दी जल्दी साथ के साथ फटाफट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा यार जी सो डैश हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विल बी किस में होगा आपके पास ऑर्डर फैमिली uh, और क्लास अच्छा दो ही ऑप्शन है ना तीन ऑप्शन है आपके पास बेसिकली लेस और मोर ये भी एनसीआरटी की लाइन है बेटा कितनों को याद है मुझे ये देखना है हाउ मेनी ऑफ यू एग्जैक्टली रिमेंबर इट आई वॉन्ट टू सी दैट अब इसमें देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर कंफ्यूजन है तो मतलब फिर दोबारा से एक बार रिवीजन में घुसना पड़ेगा जनरल कैरेक्टर्स मिलेंगे ये हमने क्लास में बात करी थी विल फाइंड मोर जनरल कैरेक्टर्स यू फाइंड लेस जनरल कैरेक्टर्स ठीक है यहां पे आपको ज्यादा सिमिलर स्पेसिफिक और कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे ठीक है दी स्पेसिफिक सिमिलर एंड कॉमन कैरेक्टर्स विल बी लेस एट किंगडम लेवल तो आप जितना नीचे आ रहे हो ना उतना आपके अंदर सिमिलरिटी सिमिलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते जाएंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाएंगे एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम किंगडम टू स्पीशीज वहीं आप अगर किंगडम टू स्पीशीज मूव कर रहे हो तो जनरल कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑल एनिमल्स हैव लेग्स ऑल एनिमल्स कैन मूव ये वाली चीजें बड़े जनरल पॉइंट्स है ये किंगडम लेवल पे काम करता है ठीक है थ्री हो गया नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी ए और बी स्टेटमेंट है आपके पास वायरसेज आर इनर्ट इन साइड आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट एंड आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स टीएमवी एम नॉन इनफेक्शन आर एंड बी क्रिस्टलाइज आंसर बोलो हम आ गया ना क्वेश्चन देखो बहुत टिपिकल पार्ट से है जैसे पीछे वाले जो दो क्वेश्चन थे वो आपके लिविंग वर्ल्ड वाले दोनों बड़े टिपिकल क्वेश्चन थे ये भी वायरसेस वाला क्वेश्चन है अब वायरसेस वाले क्वेश्चन में चांसेस तो है ना वायरसेस का क्वेश्चन फेवरेट है ही हमारा ठीक है चलिए शाबाश गुड बेटा गुड शाबाश

मशरूम पफ बॉल्स बेसिडियो मिथानोजन बैक्टीरिया इसमें से कौन सा वाला आपके लिए गलत है Which of the following is wrong? हमने एक जगह याद भी किया था वैसे एग्जाम्पल क्लास में मैंने याद भी कराए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल को याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक्स वगैरह हम देखते हैं है ना क्लास में भी करा गुड चलो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपके पास मॉरल्स एंड ट्रफल्स नहीं आएंगे मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल मशरूम्स हायर एडिबल मशरूम नहीं मतलब एडिबल फंगस विच इज मोस्टली सीन इन योर हायर कैटेगरीज ठीक है तो ये गड़बड़ है बाकी तीनों करेक्ट नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स सेल चैप्टर नहीं सॉरी माइको अरे वाह क्या बात है अग, ये वाले स्टेटमेंट वाली लाइन है ना जो ऐसी ये बड़े जबरदस्त है ये तीन चार कॉन्सेप्ट और दो तीन चैप्टर कवर कर जाती है ठीक है अब हाईली प्यूरम और थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म किसकी बात हो रही है मैंने बता दिया तो फिर तुम लोग हिंट ले जाओगे और हिंट ले गए तो तुम आंसर चिपका दोगे चिपकाना नहीं आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। रीड हो फॉलोइंग फीचर्स लैक ऑफ सेलवॉल एंड कैन नॉट पास थ्रू द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर अगर हम किसकी बात करें सेलेक्ट दिच इंक्लूड इन करेक्ट फीचर विद रिस्पेक्ट टू हाईली प्लीओमो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रोप्लाज्मा की बात हो रही है माइक्रोप्लाज्मा की बात हो रही है लैक सेलवॉल कैन नॉट पास थ्रू बैक्टेरियोलॉजिकल इट कैन पास थ्रू बैक्टेरियोलॉजिकल फिल्टर मैं ना कलर चेंज कर लेती हूँ रोकअप ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड अ फ्री लिविंग यूकैरियोट्स नो देयर आर प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन ये ठीक है इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन ये ठीक है तो सी एंड डी आर करेक्ट अब डी बहुत अच्छे से करेक्ट है अपना अब अपने पास सी और डी का कॉम्बिनेशन है मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन माइनर डिवीजन ऑप्शन ए नहीं तो डी के साथ जाना पड़ेगा अच्छा इनकरेक्ट पूछा वही मैं बोलूं <laughs> करेक्ट हाँ गड़बड़ मत कराना पेपर में सेकंड भाई राम मेरा ही दिमाग बंद है कॉफी भी ना पड़ेगा लग रहा है second भाई second, second, हाँ, आयो, खोपड़ी बंद हो गया हाँ, 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 है चलो प्लान किंगडम के क्वेश्चन मल्टी सेल्यूलर सेल वेल डेवलप्ड डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट

ठीक है और आर्की गेमिटो फाइट पे होता है तो वो भी एप्लॉइड हो गया समझ में आई बात सो आंसर विल बी फोर जाइगोट लीफी गेमिटो फाइट इज फाउंड इन अगेन अनदर प्लांट किंगडम क्वेश्चन लीफी गेमिटो फाइट इज फाउंड इन क्विक तीन पेपर ना मैं तीन पेपर कराएंगे तीन पेपर में आपका कवर हो जाएगा सब कुछ जिसमें तीन बजे की क्लास अटेंड कर लेना दो दिन मॉक टेस्ट करा रही हूं मैं, बट उसके अलावा डाउट्स कराऊंगी तो आपके डाउट्स हो तो आप बिल्कुल ला सकते हो ओके सो अलीफिकरिया फ्यूनेरिया का आपको डायग्राम याद होगा अगर थोड़ा सा तो इट इज वो ऐसे वाला था ना कैप्स्यूल और नीचे ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं दिस इज द गेमिडो फाइट पार्ट एंड दिस इज द स्पोर फाइट पार्ट टू एंड टू है ना चलो नेक्स्ट मार्क दन आउट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइज ओह प्लांट किंगडम का तीसरा क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन प्लांट किंगडम यही ट्रेंड रहता है दो क्वेश्चन हमने वहां से ले लिएंग वर्ल्ड से जबकि एक ही आता है बट दो हमने कर लिया क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है और आपके कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल भी होंगे और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से थ्री क्वेश्चन थ्री फ्रॉम योर ठीक है हाँ जी बेटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टी सेल्यूलर ब्रांच डाइज अब जो आपके पास ऑप्शन है ना बेटा ये सारे ऑप्शन ब्रायोफाइटा के हैं ठीक है, है? ब्रायोफाइटा में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी है एक पढ़ा हमने लिवोव और दूसरा पढ़ा हमने मोसस ठीक है लिवोव एंड मॉसेस के जो राइजोइड्स है मैं सिर्फ राइजोइड्स का डिफरेंस बता रही हूं लिवर वर्ड प्रिमेटिव है थोड़ा पुराना है मॉसेस थोड़े एडवांस प्रिमेटिव वाले में आपको मिलेगा यूनिसेल्यूलर सेल्यूलर एंड अनब्रांच अनब्रांच राइजोइड्स ठीक है नेक्स्ट मॉसेस में आपको वहीं पे इसका जस्ट ऑपोजिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या हो गया मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स ठीक है तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आपके मॉसेस के एग्जांपल में क्या होता है ये मॉस है ये भी मॉस है और ये भी मॉस है दिस इज लिवर्ड तो ऑड वन आउट हो गया सेकेंड ऑप्शन Mark is an example of liverworts. Clear? But moving on. In angiosperm, which one is not haploid? Angiosperm, my consa structure haploid nahi hai. Which option is not haploid? Hmm?

ठीक है चलो बेटा ये क्या है What is A? A is कारा है ना दूसरा ये आपका फीओ का मेंबर हो गया छेद है इसके अंदर बबल्स है, है ना तो आपके पास और बड़ा है होल्ड फास्ट भी है फिओ दिस इज योर और सॉरी पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया दैट इज रेड एल्गा ठीक है तो ग्रीन ब्राउन एंड रेड तो बेसिकली आपको ग्रीन आलगी ब्राउन आलगी और रेड आलगी के बारे में बताना है ग्रीन में कौन स्टोर करोगे, स्टोर करोगे किसका क्या होता है स्टार्च के फॉर्म में मेजरली होगा देखो वैसे पायरेनॉइड होता है पायरेनॉइड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप स्टार्च के साथ जाओगे ठीक है सो यू कैन ईजिली रिमूव दीज टू फिर आता है हमारे पास एल्कोहलिक शुगर ठीक है लैमिनेरिया लामिनेरियान वो दोनों में कॉमन है तो आपको उसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा लास्ट वाले में आपके पास आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है बेटा किसी भी बच्चे को अगर कहीं पर भी प्लांट किंगडम में कहीं कोई इशू है वन वन शॉट मैंने यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हो एक बार ही देख लेना मजा नहीं आया तो बताना मुझे सब समझ में आ जाएगा ठीक है ओके सेलेक्ट कॉमन शेयर बाय स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक लाइकेशिया जमीनकंद पोटैटो एंड जिंजर क्या है यहां पे कॉमन पॉइंट आ गया आंसर आप देखो प्लांट लाइक जमीन कंद कॉलोकेशिया पोटैटो एंड जिंजर इन सब के अंदर कॉलोकेशिया में आपको मिलता है कॉर्म ठीक है जमीनकंद में आपको मिलता है कॉर्म पोटैटो में आपको मिलता है ट्यूबर एंड जिंजर में आपको मिलता है राइजोम सारे के सारे स्टोरेज है अंडरग्राउंड है ठीक है ऑल ऑफ देम आर स्टेम के मोडिफिकेशन ऑल ऑफ देम आर अंडरग्राउंड ऑल ऑफ देम आर फॉर स्टोरेज राइट स्टोरेज सो कैरी आउट फोटोस बिल्कुल नहीं अंडरग्राउंड Und है वो बिल्कुल ठीक है स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स वो थॉर्न करता है आपका स्पाइन करेंगे बेटा वो काम ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू मैंने एक दो का आंसर बी इसमें डी देखा प्रज्वल बेटा ना बेटा ना बेटा ना 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 ना, ना, ना 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 ठीक है नो पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ इन मस्टर्ड एंड चाइना रोज अब ऐसे में ना जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ चीजों का तो अपने से क्लिक करके पूछो इसकी फैमिली कौन सी है ठीक है ये मस्टर्ड आपका ब्रा फैमिली और चाइना रोज मैलवेसी फैमिली मैलवेसी में आपके साथ आ जाता है कॉटन एज वेल एज कॉटन एज वेल एज भिंडी भिंडी कॉटन चाइना रोज एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं ठीक है दोनों के दोनों में हाइपोगाइनस फ्लावर हाइपोगाइनस मीन सुपीरियर ओवरी इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसमें सुपीरियर ओवरी है रोहन शाबाश बेटा या प्रिंस अनुष्का ममता डन वेरी वेल वेल डन फोर्थ वाले जो दोनों है ना बेटा ये दोनों पेरी है ठीक है ये एपी है और ये हाइपोगाइनस है हाइपोगाइनस वाला आंसर विल बी फोर्थ मैच द मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन इन डिफरेंट प्लांट्स ओके कर लो थोड़ा साथ, थोड़ू सा मेहनत थोड़ा सा मेहनत कर लो देखें हम भी क्या करते हो आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट करेक्ट आंसर है अवंतिका शाबाश ओके बेसल प्लासेंटेशन द मोस्ट एडवांस से एक ही एक वो व्यूल होता है उसमें सारा नरिशमेंट उसको देंगे एक बच्चा सबसे ज्यादा उसको पढ़ाई कराई सब कुछ उस पर दिमाग लगाया सब कुछ उसको कराया वो डॉक्टर बन गया ठीक है एज अ नेचर ने सोचा लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है प्लेजेंटेशन बेसल प्लासेंटेशन मोस्ट एडवांस सीन इन मोस्ट एडवांस फैमिलीज ऑफ डायकॉट एंड मोनोकोट डायकॉट की सबसे एडवांस फैमिली पोएसी मोनोको सॉरी एस्टरेसी एंड मोनोकोट्स की सबसे एडवांस फैमिली पोएसी ठीक है अरे मैं पी पे क्यों लगा दिया बे दिमाग की दही हो गई है ठीक है सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली मस्टर्ड है मैरीगोल्ड एस्टरेसी मेरा दिमाग बाई गॉड आई एम गॉन खत्म हो गया बेटा ये एस्टरेसी है ठीक <laughs> है एस्टरेसी सबसे एडवांस फैमिली ऑफ डाइकोट्स मोनोकोट्स की सबसे एडवांस फैमिली पोएसी इसमें अगर मैं गड़बड़ बोल रही हूँ वाइक से हो गया इट्स टाइम टू गो बेसल प्लासेंटेशन ठीक है ओके पेराइटी प्लासेंटेशन में आपको मिल जाएगा मस्टर्ड क्योंकि उसके अंदर आपने देखा रेप्लम का प्रेजेंस होता है यहाँ आ जाएगा मार्जिनल प्लासेंटेशन पी आ जाएगा एक्साइड प्लासेंटेशन पोटैटो आ जाएगा तो ए के साथ टू आ रहा है ए के साथ टू आ रहा है तो इन दोनों को हटा दिया बी देखने की जरूरत नहीं है सी चेक करो सी गोज विद फोर सी गोज विद फोर आंसर विद टू सबका आया सही यस yes. नाउ ओके okay, 14 इन क्रेब साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सलोएसिटिक एसिड सक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड और सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होगा द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट वी हैव ऑक्सलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड 5 कार्बन एंड सिट्रिक एसिड 6 कार्बन आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुड नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया यू बी इज लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन ये लाइन एज इट इज आपकी एनसीआर में से उठाई गई है ठीक है मैंने आपको पहले भी बोला था मैं दोबारा बोल रही हूँ क्वेश्चन आएगा तो टेक्स्ट पे आ आ जाता है टेक्स्ट उसका बिल्कुल बढ़िया है टेक्स्ट को आप आराम से रेफर कर सकते हो डायग्राम में बहुत झोल है डायग्राम के झोल को हम बाद में समझेंगे आज मैं क्या नाम है रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ उस पर प्लस पे उसमें भी मैंने बताना है चाहो तो डिटेल सेशन भी रेफर कर सकते हो हमने डिस्कस भी किया है एनसीआरटी रीडिंग के दौरान भी ठीक है यू वहीन इज लोकेटेड विद इन द मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ठीक है आगे चलो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ इटीएस करेक्ट कॉम्प्लेक्स फोर रेफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम ए नॉट बी सी एंड टू कॉपर सेंटर्स ठीक है ठीक है वो ए थ्री के चक्कर में लाइन गड़बड़ है तो ये हटेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन ए डी एच टू आर ऑक्सीडाइज बाय एन ए डी एच डी हाइड्रोजेस कॉम्प्लेक्स नंबर वन तो दिस इज ऑल्सो क्रिक ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड बढ़िया चलो फूल मूविंग ऑन नेक्स्ट द हॉर्मोन विच प्रमोट्स बोल्टिंग ऑल्सो प्रमोट्स जो हॉर्मोन बोल्टिंग प्रमोट करता है वो क्या प्रोमोट और करता है बोल्टिंग कौन सा हॉर्मोनो प्रोमोट करता है मोन प्रमोट बोल्टिंग वॉट इज बोल्टिंग बोल्टिंग है जब आपके रोजेट फ्लॉन्ट्स है ऐसे छोटे छोटे जिनका इंटरनोड बहुत कम है उसमें फ्लारिंग आप यहाँ करा दोगे ना तो फूल दिखेगा नहीं ठीक है तो फ्लारिंग कराने से जस्ट पहले इंटरनोड एलोंगेट करता है फिर तो फ्लार ऊपर बनाता है ताकि इट इज विजिबल राइट सो दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग ये कौन कराता है ये जीए कराता है जीए और क्या कराएगा बेटा जीए एबसेजन ऑफ ओल्ड लीव इन फ्लॉर्स ये ऑक्सीजन का, का काम है पीटीओल एलोंगेशन एंड डीप वाटर राइस प्लांट इथिलीन का काम है ठीक है फ्लॉरिंग इन मैंगो अगेन ऑक्सिन एंड लास्ट इज ईल्ड इन शुगर के ये स्टेम एलोंगेशन बेसिकली इंटर नोड एलोंगेशन इंटर नोड एलोंगेशन ठीक है इंटर नोड एलोंगेशन आपका कौन कराएगा जी नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम फ्रॉम फुली डिफरशियटेड पैरनकाइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम मेरिस्टम बनाया जा रहा है आप किसी का डिफरेंशिएशन खत्म करा रहे हो उसका जो स्पेशलाइजेशन था वो खत्म करा के आपने उसे बोला तो सिर्फ आ जाए डिवाइड कर दे क्या हो जाएगा बेटा ये वॉट इज द प्रोसेस कॉल्ड गुड़, इट कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन और रिडिफ्रसिएशन नाम बेटा दोनों परमानेंट टिश्यू बनाते हैं ठीक है ये दोनों हमेशा परमानेंट टिश्यू बनाते हैं ये पहले बनाता है या बाद में बनाता है लेकिन आप ये ध्यान रखना है, डी डिफ्रेंसिएशन से हमेशा डिवाइडिंग सेल्स बनेंगे शाबाश चलो विच ऑफ द हैज अ कंटिन्यूस कनेक्शन विद आउटर मेमब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बाहर वाले मेम्ब्रेन से कौन सा ऑर्गेनली जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस की राइट बताओ गुड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो वैसे तो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्कंटिन्यूस है क्योंकि आपस में टूटी हुई रहती है ऐसे ना रहते हैं तो आपस में डिसकंटिन्यूस है बट आउटर मेम्रेन जो है वो कंटिन्यू हो जाती है इनटू ईआर और वो भी कौन सा ईआर आर ई आर ठीक राइट सो दैट इज फोर्थ ऑल द फॉलोइंग इवेंट्स आकर वंस इन मे एक्सेप्ट सारे इवेंट्स ER. right. so दो बार होंगे एक्सेप्ट विच प्रोसेस बिना पढ़े कर दू खत्म मैम स्पीड ये ले बेटा हो गया हाँ जी कौन सा प्रोसेस नहीं होगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोविट्स ट्वाइस एक्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है दो बार होगा साइटोकाइनेसिस दो बार होगा गया डुप्लीकेशन दो बार होगा ठीक है चलो डेफिश डिले फ्लॉरिंग फ्लॉरिंग का डिले कौन से वाले एलिमेंट से आएगा मिनरल न्यूट्रिशन मैं तो रोज आती हूँ तुम आते हो बहुत दिनों बाद अब उसका मैं क्या करें हाँ जी आंसर आया थ्री किसने बोला रोहन गुड गुड, गुड बेटा मॉन्ग्स एंड मॉन्स ठीक है नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम मेनली सल्फर भी ओके द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन यंग स्टेम एंड पीटीओल ऑफ लीफ इज इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स इज प्रोवाइडेड बाय मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन यंग स्टेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन यंग स्टेम एंड लीफ और पीटीओल ऑफ द लीफ मतलब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है पैरन कायमा कॉलन कायमा स्क्लेन का गुड कॉलन कायमा कॉलन कायमा इज कॉल्ड एज योर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू अगर सीधा बोलोगे ना तो क्लेरन कायमा के लिए जाता है और स्कलैरन कायमा डेड है बट दिस इज लिविंग चलिए नेक्स्ट अच्छा अनदर थिंग कॉलन काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट मोनोकोट में नहीं मिलेगा रूट में भी नहीं मिलेगा आपको कॉलन काइमा सो कॉलन काइमा एबसेंट इन मोनोकॉट एज वेल एज रूट्स नाउ मोनोकोटलेटन स्टेम हैज मोनोकोट के स्टेम मोनोकोटलेटन स्टेम अरे उल्टे पुल्टे हो गए तुम लोग अरे मम्मी वेट तुम्हारा चार्ट घूम गया भाई अरे चलो हाँ जी मोनोकॉटलिटनस स्टेम हैज दिमाग में पहले इमेज बनाओ खोपड़ी में इमेज आनी चाहिए कौन सा वाला था मोनोकॉटलिटनस स्टेम जिसमें आपके वैस्क्यूलर बंडल्स स्कैटर्ड रहते हैं और लार्ज सेंटर में रहता है और पिथ पे पेरी पे छोटे रहते हैं ठीक है तो कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया कॉलन कायमा इज एबसेंट इन मोनोकॉट्स तो कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस नहीं हो सकता स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है है ना स्लैरन हाइपोडर्मिस होता है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल्स ये काफी हद तक ठीक है bundle sheet नहीं. बंडल का स्टेम में लीफ में नहीं बेटा स्टेम की बात हो रही है लीफ की नहीं बात हो रही है ठीक है फ्लोएम uh, पैरन ये भी नहीं मिलेगा आपको ठीक तो so आंसर क्या हो जाएगा 22 का आंसर 2 कितनों का सही हुआ इतना बच्चा लोग सही काम किए हैं एकदम मैडम भयर है निशांत गुड बेटा सूर्या सायन रोहन गुड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फॉर फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट कौन से वाले से कॉमन पॉइंट्स हैं फैसिलिटेटेड और एक्टिव के लिए एक्सेप्ट ठीक है आउट ऑफ वी हैव टू गो फॉर ऑड आउट रिक्वायर्स स्पेशल मेंब्रेन प्रोटीन हां जी दोनों को चाहिए दोनों को मेम्ब्रेन क्रॉस करने में चाहिए होता है हाईली अगर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो सिलेक्टिव होगा ही होगा अब प्रोटीन इन्वॉल्व है तो सैचुरेशन भी होगा सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि सारे गेट जितने हैं सारे काम कर रहे हैं इनिबिटर से भी इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीन खराब कर सकता है तो प्रोटीन अगर इन्वॉल्व है जो कि है तो इट इज सिलेक्टिव इट कैन सैचुरेट एंड इट इज मोर सेंसिटिव टू इनिबिटर्स तो ये भी ठीक है इट इज दिस विच इज नॉट कॉमन ठीक है क्यों क्योंकि एक्टिव इज अपहिल एंड फैसिलिटेटेड इज डाउन ही ठीक है चलो नेक्स्ट और जाइलम इन ट्रांसलोकेशन ऑफ जाइलम किसके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है इस बारे में हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते टाइम देखा हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ते टाइम देखा और अभी पिछले हफ्ते मैंने एनसीआरटी रीडिंग कराई है पूरे प्लांट फिजियोलॉजी की चलो स्पीड में आंसर कर दो फटाफट अरे भाई अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई। जी आंसर फॉर ट्वेंटी फोर जायलम हेल्थ इन ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल इन सम्मो बोथ अ करेक्ट सो बोथ वन एंड थ्री डी गुड 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 वेरी गुड मनीष बेटा एनसीआर की लाइन है चलिए इफ अ मियोसाइट कंटेन थर्टी क्रोमोजोम्स मियोसाइट क्या होता है वो सेल जो मियोसिस शो करेगा ठीक है अ सेल दैट अंडसाइट कंटेन थर्टी क्रोमोजोम्स

2n 2c से स्टार्ट करेंगे 2n 2c है यहाँ डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा 4c इसको भी छोड़ दो यहाँ पे क्रोमोज़ोम नंबर रिमेंस सेम 30 ही है g2 2n 4c तो ये 2n ही है 30 क्रोमोज़ोम ठीक है फिर आ जाते हो आप m फेज में m फेज में भी मियोसिस वन में हो मियोसिस वन में आता है प्रोफेज वन एंड मेटाफेज वन एनाफेज 1 एंड टेलो टेलोफेज 1 राइट तो क्या हो गया अब ठीक है यहाँ पे पूरे में प्लॉइडी आपकी लगभग टू एन फोर सी टू एन फोर सी टू एन फोर सी ही रहती है क्योंकि सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं करता है बेटा यहां जाके अगर आपके पास दो अलग अलग न्यूक्लिया बन गए, तो इसकी प्लॉइडी आपके पास आ जाएगी एन टू सी और इसकी प्लॉइडी न्यूक्लियस की एन टू सी ठीक है फेज में जब आखिरी में जाके न्यूक्लियस बनते हैं ना दो तो दोनों न्यूक्लिया की N2C, N2C हो जाती है लेकिन तब तक फ्लोइडी सेम रहेगी एस फेज से लेके लेकर एनाफेजेज वन, वन, तो वन को खोल के देखो एनाफेज वन में क्या हुआ है आपके पास क्रोमोजोम इधर पहुंच गया है है ना इसको थोड़ा और क्लियर बना देते हो एनाफेज वन में आपका सेंट्रियल यहाँ पे सेंट्रियल यहाँ पे ठीक है स्पिंडल आया था को ले गया ऑपोजिट पोल्स पे तो इधर आपके पास ऐसा वाला था इसमें आपके पास थोड़ा ऐसे था कलर भी दूसरा ले लो इसने पूछा आपके पास क्रोमोजोम की प्लॉइडी एट ईच पोल ड्यूरिंग पोल की बात कर रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट वन पोल इंडिविजुअल पोल ठीक है तो इस पोल पे प्लॉडी एन टू सी इस पोल पे प्लॉडी एन टू सी पूरे सेल की प्लॉइडी बेटा पूरे सेल की प्लॉइडी टू एन फोर सी लेकिन आपसे इसने क्या पूछा सिर्फ पोल तो आंसर आएगा हाफ ठीक है टू एन का एन हो गया पंद्रह है ना पर पोल एग्जैक्टली सो इट विल बी पंद्रह गुड एनएडीपी रिडकटेज इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ थेलोइड में दिमाग में कौन सा चैप्टर ओपन हो जाना चाहिए बता फोटोसिथिस फोटो सिंथिस ना लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड बाहर की तरफ है ऑफ थैलोकॉइड मेंसेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी एस टू पीएस टू से आएगा इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं जी स्कीम में पीएस टू यहां पर है ऐसे जाता है पीएस वन पीएस वन और पीएस वन से फिर इधर तो पी एस टू से नहीं मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी एस, 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 तो एस टू अगेन नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस वन एंड प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा बहुत हद तक ठीक है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बोथ फ्रॉम स्ट्रोमा नो आंसर थ्री ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट विच गिवन स्पीशीज मे ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम और इसका एग्जाम्पल एनसीआरटी ने दिया है इकोलॉजी का क्वेश्चन इकोलॉजी क्वेश्चन कौन सा वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल बी स्पैरो सीड्स भी खा रहे हैं कुछ इंसेक्ट्स को भी खा रहे हैं तो देर इज डिफरेंस इन हेड आर्की ठीक है जैसे रैबिट हमेशा ग्रास खा रहा है आपका ग्रास ऑपर भी ग्रास ग्रास खा रहा है लाइन विल ऑलवेज भी एट द हाइर ट्रॉफिक और टॉप ट्रॉफिक लेवल है ना आंसर टू नेक्स्ट इफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बींग ओनली मार्जिनली मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल शेप ऑफ द एज पिरािड इज डैश विच शोस डैश Hmm. देखो यहां पे क्या लाइन इंपॉर्टेंट थी वर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो ये है ओनली मार्जिनल तो आपके पास ना तीन रिप्रोडक्शन है तीन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है एक प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव

अगर थोड़ा कम है थोड़ा मार्जिनली कम मार्जिनली मोर वर्क्स वर्क इज स्टिल स्टेबल किसी ने लिख के नहीं बोला ना सौ बच्चे हो गए अब नहीं बच्चे होने देंगे ये कोई बात है तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में बहुत स्लाइट डिफरेंस है पॉपुलेशन में उसमें आप चेंज नहीं कर दोगे ग्राफ देर टू बी अज डिफरेंस बहुत ज्यादा या बहुत कम तब आपका ग्राफ चेंज हो रहा है ठीक है द गोल अकॉर्डिंग टू रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर दोनों के लिए एक हमारे दिमाग में इमेज था कि इतना अमाउंट हो जाना चाहिए हमारे सल्फर का इन द फ्यूल दैट वी है ना क्या अमाउंट है वो कितना कॉन्सेंट्रेशन कितना कॉन्सेंट्रेशन बेटा अयो नीतू गुड बेटा वन बच्चे थर्टी फाइव वाला अयो रोहन गुड बच्चा one, 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 one. 35 के लिए आ जाता है इन सी टू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी इज इन सीटू इन सी टू मीन इन साइट इन साइट आप उस ऑर्गेनिज्म को उसके साइट के साथ उसी जगह पे सेव कर रहे हो ठीक है इज वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी ऑर्डवे ना पूछ अच्छा इन सी टू कंजर्वेशन पूछ रहे बस ठीक है इन सी टू कंजरवेशन फोर गुड अरे वाह

चौथा हमारे पास था ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वो नहीं है को वोल्यूशन तो अच्छी बात है एक दूसरे पे डिपेंडेंस एक में कर गया सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट दर्म नॉर बेनिफिटेड तो वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड और दूसरे को कोई नहीं फर्क पड़ रहा क्या ये ऑर्किड्स ऑरेंज ब्रांच मैंगो ब्रांच तो इसका तो फायदा इसको शेल्टर मिलता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है कॉमन सेलिज्म के बाग पे ये पॉजिटिव इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सी एनिमोन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्लाउन फिश को जगह मिल जाती है ठीक है वॉस पॉजिटिव फिग पॉजिटिव दोनों को एक दूसरे का फायदा है दोनों को एक दूसरे में हेल्प मिल रही एक दूसरे तो ऑर्ड वन आउट कौन सा हो गया शाबाश ऑर्ड वन आउट हो गया फोर्थ क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म है और ये तीनों कॉमन सेलिज्म के एग्जांपल है. है।, ना गुड चलो नाइस ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ वाइटमिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज नोन एज आप ऐसे क्रॉप्स बना रहे हो यू गोइंग फॉर सच क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग जिससे कि आपको अच्छा खाना मिल सके गुड क्वालिटी ऑफ खाना मिल सके उस प्रोसेस को क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ फूड एंड उसके अंदर जो न्यूट्रिय कॉन्टेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन ठीक है राइट प्राइमरी एफ्लुएंट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड केमिकली एंड द एयर इज पंपड इन टू इट विच अलाउज ग्रोथ ऑफ़ एरोबिक माइक्रोब्स ये भी ठीक है द स्टेटमेंट ए एंड बी आर रिलेटेड टू

फर्स्ट ठीक है बेटा चलो आगे तुम लोगों ने थ्री क्यों बोला भाई इसको खाने का मन कर करे तुम लोगों का है चलो कॉमन अडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिलिस एंड हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आर ऑल एक्सेप्ट मन एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस फ्लॉर्स एक्सेप्ट एनिमोफिलस और हाइड्रोफिलिस दोनों आपके एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट हो रहे हैं गेटिंग पॉलीनेटेड बाई ए बायोटिक तो कोई बेड प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है नेक्टरलेस दोनों होंगे बोथ आर नेक्टरलेस बोथ आर ओडरलेस ड्राई एंड एडिबल पोलन एडिबल पोलन दोनों में नहीं होंगे बोथ विल नॉट हैव एडिबल ये ठीक है ठीक है ये ठीक है रिड्यूस पेरियां आपको जो मिलेगा ओके hmm. okay. एक मिनट रुको दो तो. नेक्टल दोनों है कॉमन एडेप्टन ऑफ एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस फ्लास्ट और एक्सेप्ट एनिमोफिलस में तो रिड्यूस होता है हाइड्रोफिलस में भी हो सकता है बट एडिबल पोलन वाली तो पॉइंट ही गलत है वो तो।, तो दोनों का ही नहीं है बेटा इसमें थोड़ा झोल लग रहा है मुझे लैंग्वेज में okay. मुझे इसमें क्योंकि ये आपका बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है तो सही रुको जरा दोबारा देख इसमें वेट अनवेटेबल पोलन है इसमें भी ड्राई है ड्राई तो दोनों में रखेंगे ना पोलन को बट एडेबल पोलन नहीं होता इनका क्वेश्चन गड़बड़ है थोड़ा ड्राई तो दोनों में देखो हम हाइड्रो हाइड्रोफिलस में बोलते हैं ना अनवेटेबल पोलंस तो वी काइंड ऑफ हैव टू कीप इट ड्राई और एनिमोफिलस को भी आप ड्राई तो रखोगे है ना आप उसको भी ड्राई तो रखोगे ही बेटा हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ किया है इन्होंने या तो टाइपिंग इशू है इसमें टाइपिंग एरर बेटा क्योंकि रिड्यूस पेरियांत भी दोनों में होगा ठीक है उसको चाहिए ही नहीं केलेक्स इट कि रियली रिक्वायर टू मच ऑफ फ्लोरल ड्राई एंड एडेबल पोलन तो थ्री के साथ जाओ क्योंकि एडिबल पोलन दोनों में नहीं है कॉमन एडेपेशन दिस एडिबल पोलन इज नॉट अ कॉमन क्या ड्राई है ड्राई है बट एडेबल नहीं है तो वी कैन गो विथ थ्री वी कैन स्टिल गो विथ थ्री रिड्यूस पेरिया मिल सकता है थ्री इज अ बेटर ऑप्शन बेटा ठीक है थ्री इज अ बेटर ऑप्शन चलो थर्टी सिक्स पेरिसाइक पेरिस्पर्म इज रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यू सेलिस एंड प्रेजेंट इन पेरिस्पर्म इज रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यू सेलिस एंड इज प्रेजेंट इन पेरिस्पर्म आपको किस में मिलेगा किसमें मिलेगा ब्लैक पेपर कैस्टर बीट ठीक है पेरिस्पर्मिक सीड्स लेफ्ट ओवर सेल्स आपके पास बाकी और कोकोनट इन तीनों में आपको मिलेंगे एंडोस्पम का चलो चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अ टिपिकल एंथर ठीक है डायथिकस एंड बाइस्पोरजियट बाइलोब्ड टेट्रागोनल टेट्रास्पोरेंजिएट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर टिपिकल एंथर हाँ ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको एक वर्ड ऐसा जो देखा ही है बाईस नहीं। जब आप पूरे आंथर की बात करते तो आप उसको बाइस फोरजेट नहीं बोलते तो ये गलत है ठीक है लेकिन कैसे डायथिकस है आपके हर एक लोब में जब आप इसको कट करोगे तो इन ईच लोब यू विल फाइन टूथ ये इज लोब इज डाइथिकस चार कोने हैं तो टेट्रागोनल और चार कैविटीज हैं इसलिए टेट्रास्पोरेंजाइट नॉट बायस्पोरेंजाइट व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ अmino acid coded by the mrna nucleotide sequence हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन आए सीधा एक तीन-तीन के बाद लाइन तीन-तीन के बाद लाइन ठीक है और अब देखो कितने बन रहे है कितने अmino acid बन पा रहे हैं कितने अमाइनो एसिड बन पा रहे एक ये बना ये कि दूसरा ये बना, ये, बना? ये स्टॉप है यू ए एंड यू जी ए है ना तो तीन ही तो बने तीन अमाइनो एसिड का चेन है ये. एक दो तीन देन ना? थ्री इज फॉर्मिंग गुड जुड़ने का यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन में जो जीन वर्ड लिखा है ना वो ठीक से यूज नहीं किया है क्योंकि प्रमोटर जीन नहीं होता ऑपरेटर जीन नहीं होता दीज आर जस्ट सिक्वेंसिस स्ट्रक्चरल जीन है रिप्रेसर जीन है प्रमोटर जीन नहीं है ऑपरेटर जीन नहीं है लेकिन किंतु परंतु दर एन ए पॉलीमरेज इज बाइंड टू वॉट साइड प्रमोटर इट बाइंड टू प्रमोटर जीन नहीं बोलेंगे जीन गलत बात है जस्ट अ सीक्वेंस जो आइडेंटिफिकेशन और इसके बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियोजोम्स आर प्रेजेंट इन इक्लाई डीएनए विच कंटेन फोर पॉइंट सेवन मिलियन बेस पेयर्स और आप न्यूक्लियोसोम कैसे निकालते हो डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड क्यों क्योंकि आपके एक न्यूक्लियोसोम में दो सौ बेस पैर आते है ना कैसे निकालोगे जो आपका जीनोम साइज है उसको डिवाइडेड आपके पास लेकिन इसमें कैसे निकालोगे जीरो वाई बिकॉज न्यूक्लियोजोम्स आर एबसेंट इन प्रोकआरियो E. के अंदर पैकेजिंग के साथ होगी ही नहीं हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है इकोलाई e. बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में हिस्टोन, हिस्टोन तो मेंंड्रेड जिनोम, जिनोम, जिनोम ले रहे हो तो आधे में मिलेगाइड सेट में मिलेगा लेकिन अगर आप डिप्लॉइड ले रहे हो 6.6 हो जाएगा फिर वो ठीक है मतलब डिप्लॉइड के लिए सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन स्पर्म विदाउट क्रोमोसोम अब इसको पढ़ने से पहले दिमाग में क्या आना चाहिए सोचो दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इधर उधर एग्जाम्पल बटरफ्लाईज उठाओ बटरफ्लाई में किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ZZZ. वे जेडो इज फीमेल एंड जेड जेड इज मेल तो फीमेल हेट्रो के मिट्टी है क्या स्पर्म डिसाइड कर सकता है स्पर्म डिसाइड नहीं कर सकता ठीक है फीमेल सेक्स इन बटरफ्लाईज इज डिटर्माइंड बाई हेट्रो ये कंडीशन एग विद ऑटोजोम ओनली बिल्कुल ठीक पॉसिबल है क्योंकि इसका मतलब एग जो है आपका वो अपने साथ ऑटोजोम लाया है प्लस जीरो लाया है अगर इसकी फर्टिलाइजेशन मैं करा दू ऑटोजोम प्लस जेड हो बन रही है ना फीमेल बन तो रही बेटा फीमेल समझे बात को दूसरा वाला देखो थर्ड ऑप्शन देखो थर्ड वाले को कैसे एलिमिनेट करोगे Egg with and Z नहीं। अगर Z हमने एक को दे दिया तो सामने से ए प्लस जेड आया और सामने से गमीट आ गया मेरे पास मेल गेड विचुअल ऑटोजोम प्लस मेल बन जाएगा गलत ठीक है एक विद्रोमोजोम विदाउटेड क्रोमोजोम वो नहीं हो सकता क्योंकि मेल हेट्रोसाइकिस नहीं है मेल जो है आपका उसके पास दो अलग अलग टाइप नहीं है मेल से तो Z आना ही आना है ठीक है तो ये भी गलत आंसर टू वॉट विपिटल टू प्रोड्यूस फॉर्म दिस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करना है इसको ठीक है देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of this color male having hypertrichosis to produce sperm with this ab ye jo male hai iska genotype dekho capital a small a capital b small b color blindness hai to तो x ke upar c for color blindness. and h ये आपका Y gene जो है उसमें हम h लिख देते हैं for hypertrichosis ट्राइकोसिस क्योंकि हाइपर ट्राइकोसिस आपका होलैंड्रिक ट्रेट है वाई क्रोमोजोम पे ही मिलता है और किसी पे नहीं है ठीक है वो पूछ रहा है इसके क्या चांसेस है आने के स्पर्म की प्रोबेबिलिटी तो वन ही आनी है लेकिन आउट ऑफ कितने इसके गेमी कैसे बनेंगे गेमी बनाने का एक सिंपल सा तरीका कैपिटल ए यहां लिखो स्मॉल ए यहां लिखो इसके साथ कैपिटल भी आ सकता है या इसके साथ स्मॉल भी आ सकता है सेम यहां भी हो सकता है ठीक है फिर इसके साथ एक्स क्रोमोजोम जा सकता है या इसके साथ वाई क्रोमोजोम जा सकता है सिमिलरली आईधर एक्स और वाई ठीक है आइधर एक्स और वाई तो टोटल आठ क्रोमोज़ोम बनने सबको बना के नहीं देखेंगे हमें ढूंढना ये स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और वाई क्रोमोज़ोम जाना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी इज वन आउट ऑफ एट एक तरीका तो ये है कि आप फोकलाइन मेथड से बना लो कंफ्यूजन ही दूर आंखों के सामने दिख गया वन बाय एट की प्रोबेबिलिटी आ रही है समझे मेरी बात समझे यहां तक मेरी बात दूसरा तरीका क्या है जो फॉर्मूला वाला तरीका है हमारा द सेकेंड वे इज फॉर्मूला वाला तरीका वन बाई एट की प्रोबेबिलिटी है एक तो दूसरा फॉर्मूला वाला है जिसमें हम लिखते हैं टू रेस्ट दी पावर आपका एन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगो ये हेट्रोसाइगस कंडीशन है ये हेट्रोसाइगस कंडीशन है ये भी काइंड ऑफ हेट्रोसाइगस है क्योंकि या तो एक आएगा या तो दूसरा होमोसाइगस फीमेल्स में हो जाता है जहां एक्स एक्स आता है

हेट्रोजाइगो ठीक है या फिर आप फोकलाइन मेथड से जैसा आपको क्लास के टाइम पे मैंने बताया था दोनों ही बताए हुए हैं क्लास में दोनों में से कोई सा भी आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है ओके पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरेंट्स जिनका बच्चा अफेक्टेड है डिजीज से उसका क्या उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये टिपिकल क्वेश्चन है पेडिग्री पे ज्यादातर फैमिली पे फैमिली ट्रीज नहीं आ रहे अब सिंबल्स आते हैं ठीक है तो दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन दैट यू हैव हाँ जी आ गया गुड दिस इज द वन थ्री इजी है गिवन बिलो आर कॉन्ट्रास्टिंग traits स्टडीड बाई Mendel इन पी द करेक्ट मैच इज मैंने बताया था आपको जेनेटिक्स पे एक क्वेश्चन ये वाले पार्ट से है डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स ऑल दैट तो ये बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन आना ही आना है मान के चलो ठीक है तो आंसर ओके कैरेक्टर क्या है रिसेसिव इसमें से कौन सा होगा और डोमिनेंट इसमें से कौन सा है और उसके हिसाब से द करेक्ट मैच यू हैव टू फाइंड करेक्ट मैच इसमें कितना टाइम क्यों लग रहा है भाई मेरी तरफ धीरे आ रहे हैं तुम्हारे आंसर्स देखो फ्लावर पोजिशन एक्साइल इज डोमिनेंट पॉड शेप ठीक है येलो डोमिनेंट है कलर वायलेट डोमिनेंट है तो आंसर ठीक है आंसर टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिफेक्ट इन विच देयर इज अ सिंथेसिस Of incorrectly functioning globin is yes. globin ढंग से काम नहीं कर रहा हम्म hmm. काम ढंग से नहीं कर रहा है बेटा डिफरेंस है एक तरफ बन ही नहीं रहा है. ठीक है इन दोनों में तो बनता ही नहीं है राइट वी हैव ये जिसमें वो काम ठीक से नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप ये वाला अल्फा ये दोनों अल्फा तो, तो तुम तो जीत गए नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली मीन इट बी इट इज बींग फॉर्मड बन रहा है लेकिन चल नहीं रहा काम नहीं हो रहा ठीक से इसलिए आपका बी हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स इज ड्यू टू देर ट एनवायरमेंट फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन मीन बार बार आपके ग्लेशियर और लो टेम्परेचर जा रहा है मोर सोलर एनर्जी बोथ वन एंड टू ये मे फेवरेट ऑप्शन ये फेवरेट कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट एंड मोर सोलर रेडिएशन सो बोथ वन एंड टू ठीक है बोथ वन एंड टू गुड लॉस ऑफ वॉटर ड्यू टू क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कैन रीच अप टू Cuticular रेस्पिरेशन कैन रीच अप टू अब यहाँ पे ध्यान दो उसने आपको हर्बेशियस प्लांट नहीं बोला है क्योंकि हर्बेशियस प्लांट बोलता तो आप सीधा सीधा 50% परसेंट लगा देते कोई तकलीफ नहीं थी किसी को ठीक है लेकिन यहां पे उसने बोली नहीं है ये बात कौन होगा फिर ए, चपा कौन है ये ध्रुविंद क्या कर रहा है बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग यहां पे बेसिस मैंशनड होता बेटा तो आपके लिए ये आ सकता था ठीक है बट इन जनरल इट इज टेन परसेंट इन जनरल इट इज टेन परसेंट डिस्ज ऑफ सीवेज इन रिवर लीड्स टूब जैसे आप सीवेज में सीवेज को रिवर में डालोगे जो आपका रिवर बह रहा है जहां पे एंट्री होगी सीवेज की वहां पे क्या हो जाएगा एकदम से ऑर्गेनिक मैटर डंप हो गया तो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज करके खाने लगेंगे विल बी डिक्रीज इन डी एंड एन इनक्रीज इन बी मैच कर लो ऑप्शन कौन सा आएगा कौन सा वाला आएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर Two, की बात नहीं कर रहे हम यहां विल डिक्रीज ये तो वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल्ड ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं घट जाएगा गुड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन चूज इन करेक्ट रिस्पेक्ट इन सी टू कंजर चूज इन करोस्फेर रिजर्व एंड क्रायो प्रेजर्वेशन ठीक है ये इन सी टू है ये इन सी टू है ये इन सी टू है ये साइट आप अपने साइड से बाहर आके और वहां पर सेव कर रहे हो किसी चीज को एक्सी टू ठीक है सक्सेशन ऑन बेयर लैंड कन्वर्ट्स इट इंटू सक्सेशन ऑन बेयर लैंड कन्वर्ट्स इट इंटू ग्रासलैंड विद जेरिक कंडीशन फॉरेस्ट विद जेरिक कंडीशन फॉरेस्ट विथ मैजिक कंडीशन ग्रासलैंड विद हाइड्रिक कंडीशन बेरलैंड पे सक्सेशन किसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है सक्सेशन ऑफ बेयर लैंड जेरिक कंडीशन से बात कर रहे हैं ठीक है जेरिक कंडीशन से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सक्सेशन ऑन बेयर लैंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फॉरेस्ट ठीक है फॉरेस्ट विद मेजिक कंडीशन ये एनसीआर की लाइन है बेटा ठीक है ये एनसीआर की लाइन है तो सक्सेशन ऑन बेयर लैंड कन्वर्ट्स इट इन अ फॉरेस्ट विद मेजिक कंडीशन जेरिक टू मेजिक ठीक है राइट सो right. so, यहां हम खत्म करते हैं आज की क्लास कोड है आपका कोमल लाइफ नए बैचेस भी शुरू होने वाले ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए कोमल लाइफ कोड यूज करके यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन ठीक है कोड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको दे देगा जो भी उस टाइम चल रहा होगा जेनेटिक्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में पढ़ा रही हूँ हो गया स्टार्ट कल पर कल उसकी क्लास होगी थी आज उसकी दूसरी क्लास है ठीक है तो जेनेटिक्स वी आर स्टार्टिंग विद ऑलरेडी फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाले बच्चे प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करना है ठीक है इसके अलावा तीन पेपर हो चुके हैं वन लास्ट पेपर टू गो किसी ने अगर नहीं दिया है तो यू कैन गो हैड एंड गिव योर पेपर एग्जाम कोमल लाइफ कोड है आपका यू कैन यूज द स्कोर एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी योर टू मोर पेपर एंड तीन बजे आज हम एक और टेस्ट करेंगे मॉक टेस्ट जिसके लिए आप क्लास में आ सकते हो डिस्कशन कर लेंगे डाउट्स होंगे आपके तो वो भी ले आना दो पेपर और कराऊंगी मैं बस और उसके बाद तीन दिन लगातार लास्ट फ्यू डेज ऑल अबाउट योर डाउट्स ठीक है ऑल अबाउट योर डाउट्स विल डिस्कस डाउट्स फॉर आवर्स एंड आवर्स जितना भी मैं टाइम डाउट्स हो दे पाऊंगी लास्ट तीन दिन आप जितने डाउट्स हैं आपके पास आप बिल्कुल आ सकते हो ठीक है स्पेशल क्लास में होंगे डाउट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच ठीक क्या हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब